डांस फ्लोर डिस्को है भाई इस गेम के अंदर। वाह डीजे सेट लगा दे भाई, थिएटर खुल गया है यार यहाँ तो। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, और अपने फिर से आ चुके हैं रिजोर्ट टाइकून के एक और नए एपिसोड में। और फिर से आने का मेरा मतलब है कि कई महीनों बाद अपने फिर से आ चुके हैं इस गेम के अंदर। और अगर तुम लोगों इसके पुराने एपिसोड देखने हैं तो मेरे पुराने चैनल पर है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और काफी सारे नए अपडेट्स मैंने मिस कर दिए हैं। और गाइस ये गेम बिल्कुल बिग सिटी टाइकून जैसा ही, क्योंकि ये बिग सिटी टाइकून की कंपनी ने ही बनाया। तो आई होप सो कि तुम्हें इसकी सीरीज पसंद आएगी, और वो तो डिपेंडेंट करता है भाई तुम्हारे व्यूज और लाइक्स पे। तो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर तुम लोग इसके नए एपिसोड्स चाहिए तो जैसे जैसे वीडियो के अंदर लेट्स गेट द वीडियो नाउ लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ अपने रिजॉर्ट के बाहर, और तुम्हें थोड़ा सा टूर वगैरह दे देता हूँ कि अब तक मैंने क्या क्या प्रोग्रेस कर रखी थी जो लोग नहीं देखना चाहते। राइट अभी नीचे मुझे इसके अंदर अपने मेन रिजॉर्ट के अंदर कुछ खरीदने की चीजें बची हुई हैं, पर सबसे पहले दिखा देता हूँ कि लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से अपन ने यही किया था। राइट ये सारे के सारे कमरों को बनाया गया था अपने द्वारा। थोड़ी हिंदी में बोल देता हूँ, कई बार ज्यादा तो बुरा मत मानना। और इसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपने पास एक वेयर हाउस भी है और एक एयरपोर्ट भी है। यस वी हैव अवर ओन एयरपोर्ट इन दिस गेम यार। ऑलराइट तो अभी मैं करने वाला हूँ अपना गोल्फ कार्ट को यहाँ पर स्पॉन। ओके लेट्स गो हियर। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है भाई। भाई इवेंट पोर्टल फ्री का है। ओके ये भी देख लेंगे। नया इवेंट को स्टार्ट हुआ है क्रिसमस का इस गेम के अंदर, तो सही टाइम पे आए अपने खेलने के लिए। ओके तो मैं आ चुका हूँ अपने वेयर हाउस के अंदर। यहाँ पर मैंने काफी सारी बोट्स वगैरह भी खरीद ली थी जितना मुझे याद आ रहा है। यहाँ पर कुछ फेरी वगैरह भी है जो कि शायद मिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी, तभी मैंने नहीं खरीदी थी। राइट 5 मिलियन डॉलर की एक कार्गो फेरी है भाई, ये तो अपने अभी खरीदने से रहे। अभी भी अपने पास 5 मिलियन इकट्ठे नहीं हुए हैं। अंदर देखा जाए तो यहाँ पर और सामान पड़ा हुआ है गाइस। यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर एक और फोर्कलिफ्ट है। ओके अपन ने यहाँ पर एक फोर्कलिफ्ट भी खरीद रखी थी, अब याद आया मेरे को। यहाँ पर फिशिंग बोट खरीद रखी है अपन ने, जेट सी खरीद रखी है, स्पीड बोट खरीद रखी है, और यहाँ से अपने ओबीवाई करने जाते थे। पुरानी बातें याद करके मजा आ रहा है ना। ओके अब मैं तुम्हें फटाफट से एयरपोर्ट पे लेके चलता हूँ, लेट्स गो। ओके तो एयरपोर्ट पे जाने से पहले भाई एक फन पार्क भी था जो अपन ने बनाया था। अगर तुम लोगों को ये सारे के सारे बिल्ड की वीडियोस देखनी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, मैं फिर से बता रहा हूँ तुम्हें। और यहाँ पर आ चुका है हमारा शानदार जानदार एयरपोर्ट। इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगी थी भाई, और अभी तक मेरे ख्याल से मैंने इधर सारे प्लेन्स वगैरह खरीदे भी नहीं हुए हैं जितना मुझे लगता है। राइट वेल यहाँ पर अपने पास एक शटर प्लेन पड़ा हुआ है जो कि ये वाला है। ओके और यहाँ पर क्या टैक्सी भी 5,000 का, चलो ये तो खरीद ही लेते। एक चीज रह रही थी खरीदनी, खरीद लो क्या फर्क पड़ता है। राइट ओके और देखा जाए आगे चल के तो यहाँ पर और प्लेन्स भी रख सकते हैं क्या अभी अपने। यहाँ पर कुछ हैंगर्स वगैरह खरीद रखे थे मैंने। यहाँ पर मैंने एक और प्लेन खरीदा हुआ था। यहाँ पर प्लेन को देखा जाए तो कौन सा, ओके ये सिंपल सा एक प्लेन है अपने पास। यहाँ पर कितने का प्लेन था, ये 1 मिलियन डॉलर का था, प्राइवेट जेट। ये अपन ने नहीं खरीदा था। और अपन ने क्या नहीं खरीदा था भाई, ये एक रोबक्स का प्लेन है, रोबक्स वाला तो अपने खरीदने से रहे। और यहाँ पर लैंड आगे जाता है थोड़ा सा और 8-6.5 लाख डॉलर का एक और बेस फाउंडेशन है जो कि खरीदना पड़ेगा। बाद में खरीदेंगे, आने वाली वीडियोस में अपने सारी चीजें खरीदने वाले हैं गाइस। ओके यहाँ पर और ओके यहाँ पर एक हाउस था ना, हाँ यहाँ पर एक लग्जीरियस हाउस था भाई, अपना खुद का हाउस है गाइस यहाँ पर एक, जो अपने को खरीदना है पर अभी मैंने वो खरीदा नहीं हुआ। एंड यहाँ की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अपने को और लैंड लेना है, गराज फाउंडेशन। ओके एक और फाउंडेशन खरीदनी है, तो ये काफी सारी फाउंडेशन अपने को खरीदनी बची हुई है। पर अभी के लिए अभी अपने वापिस से जाने वाले हैं अपने रिजॉर्ट पर। ओके इवेंट वाले बाबू हम आ गए हैं आपके पास, एग्जिट कर दिया जाए सीट को। फ्री का पोर्टल है, ओके वेल पोर्टल के अंदर चल के देखते हैं क्या है भाई। आइलैंड डेकोर है फ्री का, पाथ है फ्री का, मशीन्स है फ्री की, ये क्या है कलेक्ट होवर। ओके 50 होवर मिल गए, इस होवर्स का क्या करना है भाई अपने को। ओके ये तो पूरा ही एक वो बन गया ना, वेल पूरा एक इवेंट हाउस बना हुआ है भाई, ये तो पूरा अपने बनाएंगे यार। वेल यहाँ पर मैं बाद में आऊंगा इसको कलेक्ट करने, तो जितना इसको कलेक्ट करना है लेट्स बैक टू द टेलीपोर्ट आइलैंड, अपने रिजॉर्ट पे चलते हैं अभी के लिए। तो ये इवेंट आ चुका है, अगर तुम लोग चाहते हो कि इवेंट में फटाफट से खेलूं और कंप्लीट करूं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके ओके अभी के लिए मैं जाने वाला हूँ अपने रिजॉर्ट के अंदर, वहां पर कुछ सामान खरीदने वाला हूँ। ठीक है जल्दी से चलते हैं यहाँ पर, और कुछ बेसमेंट वगैरह। इसका बैकग्राउंड में पूल भी है गाइस, बड़ा शानदार देखो। ऑलराइट एक 6 लाख डॉलर का एक हाफवे खरीद लेते हैं यहाँ पर, और कुछ खरीद लिया अपन ने, एक बेसमेंट खरीद लेते हैं गाइस 1.5 लाख डॉलर की। आई वांट टू सी की बेसमेंट के अंदर क्या है। ओके कुछ लाइट्स वगैरह खरीद ली जाए यहाँ पर, एक कारपेट ले लिया जाए सर। ओके अनलॉक आफ्टर लाइट हाउस, और ये क्या है अनलॉक आफ्टर एक्वेरियम।
एक्वेरियम, एक एक्वेरियम भी बनाना है अपने को इस गेम के अंदर भाई। सही है भाई, बड़ा सारा सामान बनाना है यार इस गेम के अंदर अभी अपने को। ऑलराइट, तो मेरे पास अभी 4 मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, तो 4 मिलियन डॉलर का यूज तो भी अपने करेंगे ऑब्वियसली। एक वॉल खरीद लेते हैं, हाफ वे खरीद लिया जाए, कारपेट खरीद लिया जाए, वेट रूम खरीद लिया जाए, स्पा रूम भी खरीद लिया जाए। वेल ये मेरे ख्याल से मेरी इनकम और बढ़ा देगा, अगर नहीं बढ़ाएगा तो बुरी बात ही है भाई। वेट्स, ओके जिम खोल लिया भाई अपन ने इस गेम के अंदर। खोल देखे सीट, अच्छा है तो बैठने का है भाई, अपने को जिम यूज करना है। यहाँ पर एक और सीट है, ओके ऑलराइट। अब अपने को यहाँ जाना होगा, और यहाँ पर क्या है, डेकोरेशन और है, लाइट्स और है। वो ये मसाज पार्लर है राइट, मसाज टेबल लगा दो 75,000 की, और क्या है 1,15,000 का एक और मसाज टेबल, एक और मसाज टेबल लगा दिया जाए सर। ओके वेल, अभी और काफी सारा सामान बचा हुआ है खरीदने के लिए। उस साइड चल के देखें क्या है, डांस फ्लोर डिस्को है भाई इस गेम के अंदर। वाह, डीजे सेट लगा दे भाई, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। सिटिंग्स खरीद ली जाए, सेकंड फ्लोर स्टेयर्स भाई, इसमें 2 फ्लोर हैं, वाह। रेलिंग्स खरीद ली जाए, सिटिंग्स, ओहो यार ये डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो वाले आगे यार यहाँ पर, ये भी सही है यार, को पता नहीं था यहाँ पर डीजे वगैरह भी है। ओके लेट्स गो फॉर द पेंट हाउस स्वीट, सॉरी डेकोरेशन स्टेयर्स लॉफ्ट, कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है यहाँ पर। वो अपने प्ले पूल खेल सकते हैं, यहाँ पर पूल खेल सकते हैं, पूल टेबल है भाई। एंड यहाँ पर कुछ और वॉल्स पड़ी हुई हैं, डोर्स पड़े हुए हैं। वेल ये कैसे बंद होगी साइड, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। ओके मेरे ख्याल से या तो अपने को सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा पेंट हाउस के थ्रू, तभी अपने को कुछ पता चलेगा। चलो चल के देखते हैं क्या है पेंट हाउस के ऊपर। वेल कुछ और वॉल्स वगैरह है गाइस, डेकोरेशन है, लाइटिंग है। ओके वेल आई गेस आधा अधूरा ही है। रूम सर्विस 2 लाख डॉलर की बेट है, गोल्डन टिप जार 2.5 लाख का। अपने पास अभी 1.9 मिलियन डॉलर ही गए गाइस। वेल इसमें प्रॉब्लम की बात यही है कि ज्यादा इसमें लगता है टाइम। ओके पेंट हाउस स्वीट एक और है भाई, डेकोरेशंस लाइटिंग एंड ओके सेम टू सेम ही है ना ये तो, लॉफ्ट वगैरह। यहाँ पर खड़े होके अपने पूल को डायरेक्टली देख सकते हैं पेंट हाउस के थ्रू, ये भी सही है ब्रो। एक गोल्डन जार, रूम सर्विस, एक गोल्डन जार 4 लाख का भाई। अपने पास तो सिर्फ अब 7 लाख डॉलर बचे हुए हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ 7 लाख। एंड आई डोंट नो कि इसका यूज कैसे होगा, अभी कुछ पड़ा है क्या ऊपर अपने को लेने के लिए। यहाँ पर कुछ नई चीजें आ चुकी हैं, एक स्टेज आ गया है, यहाँ पर आ गया एक सेकंड फ्लोर। ऑलराइट कुछ मोर डेकोरेशंस, कुछ और लाइटिंग्स। वेल अब मेरे ख्याल से अपने ऊपर जाके कुछ कर सकते हैं राइट। ओके या पूरा ऊपर वाला फ्लोर खुल चुका है गाइस, कारपेट वॉल्स, थिएटर रूम है भाई इस गेम के अंदर। ओए होए 25,000 की डेकोरेशंस, लाइटिंग, थिएटर की सीटिंग 26K की है बस। वाह यार एक और थिएटर प्लेइंग द नेक्स्ट वॉर ऑफ ब्लॉक, थिएटर खुल गया है यार यहाँ तो। कंप्यूटर लैब भी है इसके अंदर, वाह। डेकोरेशंस, कंप्यूटर्स, लाइटिंग्स, वाह यार रिजॉर्ट है या क्या है भाई, ये पूरा खतरनाक है यार है ना। ऑलराइट कुछ और वॉल्स खरीदनी होंगी, मोर डेकोरेशंस एंड डेकोरेशंस। वेल अपने पास अभी भी 1 लाख डॉलर बचे हैं, तो मैं जितना यूज कर सकता हूँ मैं उतना करके देख लूंगा ठीक है। और रूफ अभी खरीद लेते हैं, फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं 41K का ये। वी आर नाउ डन, अपने पास पैसे हो चुके हैं पूरे खत्म। पर मेरे ख्याल से कुछ कलेक्ट भी हो गई होगी मनी। वेल देख के आते हैं कितनी कलेक्ट हो चुकी है मनी यहाँ पर। 2 लाख डॉलर और इकट्ठे हो चुके हैं अपने पास, दिस इज अ ग्रेट न्यूज, वेरी वेरी गुड न्यूज यार। कुछ पैसे इकट्ठे और हो चुके हैं यहाँ पर। वेल ये अपना डीजे वाले बाबू आ चुके हैं, कुछ और खरीदने का सामान है यहाँ पर नहीं है गाइस। ओके ओके लेट्स टेक दिस बैक, मेरे ख्याल से अपने इवेंट वाले पे चल के देखें, इवेंट वाले पे और क्या क्या नई चीजें आ रखी है। आई वांट टू सी दैट कितने पैसे इकट्ठे हो चुके होंगे भाई इवेंट पे। अभी तो हॉलीडे इवेंट पे आ चुके हैं अभी अपने, एंड हाउ मच वी गॉट 6-7K। ओके तो अपने कुछ यूज कर सकते हैं, एक ट्री लगा देते हैं इवेंट का भाई। ये कुछ और लग चुकी है चीजें यहाँ पर, कुछ फेंसेस वगैरह लगा देते हैं। वेल आगे और भी काफी सारा सामान है, बट मे बी अभी नहीं करते इसको पूरा राइट। लेट्स गो बैक टू अवर रिजॉर्ट नाउ। फिर अपने गाइस थोड़ी बहुत फाउंडेशन अपने नए घर की भी खरीद लेते हैं चल के, उसको बाद में कंप्लीट करेंगे ना। चलो घर पे चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो। एयरपोर्ट अपना बिल्कुल कंप्लीटेड है, बस अपने को सिर्फ और सिर्फ कुछ प्लेन्स वगैरह खरीदने और। ऑल राइट वी आर हियर, अवर हाउस इज हियर गाइस, यहाँ पर अपना लग्जरियस हाउस बनेगा खुद का। वेल आई डोंट नो कि कितना अच्छा बनने वाला है, बट यहाँ पर अपने कुछ वॉल्स वगैरह और खरीद लेते हैं, कुछ फ्लोरिंग खरीद लेते हैं। 1 लाख डॉलर और इकट्ठे हो चुके हैं अपने। वाटरफॉल खरीद लिया जाए, कारपेट खरीद ली जाए, 16K की एक और वॉल आ चुकी है, कुछ मोर फ्लोर्स, कुछ वॉल्स और खरीद लेते हैं। डेक खरीद लो भाई, डोर्स खरीद लो, स्टेज खरीद लो, एंड मोर वॉल्स, फायरप्लेस। वाह यार फायरप्लेस सही लग रहा है। सेटिंग्स और खरीद सकते हैं अभी चल के अपने। ओके यहाँ पर बैठ के अपने अपना मस्त गपशप कर सकते हैं। ये क्या डांस फ्लोर वगैरह करके क्या पियानो भी है भाई, 1 लाख ये क्या 11,000 का, ये शेल्स वगैरह और। भाई खतरनाक है यार ये गेम ना पूरा, अपने को पहले ही कंप्लीट कर देना चाहिए था ये गेम। और रेलिंग्स वगैरह ले ली जाए, एक स्विमिंग पूल बन गया है यार यहाँ पर। मेरे ख्याल से अपन ने एक पूरा आइलैंड भी इसके अंदर खरीद रखा है आगे जाके, वो
बोला वो रहा शायद अपना आइलैंड है ना। ऑल राइट, लग्जीरियस किचन 27K का, 37K का मोर मील्स। ओके यहाँ पर अभी अपने पास 17,000 नहीं पड़े हैं। वेल गाइज, यहाँ पर अपना शेफ तो बढ़िया खाना बनाता रहेगा। तो ये एक तरीके से मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया है। अगली वीडियो के अंदर, इस गेम की अगली वीडियो के अंदर, मे बी अपने शायद इवेंट को कंप्लीट कर ले। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं फटाफट से इवेंट की वीडियो बनाऊं, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, हैव फन, बाय।